हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी लागू किस पे होता है, जीएसटी कौन सा टैक्स है, हमारे भारत में कब लागू हुआ था, लागू होने से क्या फायदे हैं। वह आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले जवाब देंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? अब सवाल यह है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है। तो मैंने कल के क्लासेस में पढ़ाया था इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। जो जीएसटी है, या हमारा जो जीएसटी है, कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर? क्या जवाब देंगे जी, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टैक्स के दो ही टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जिसमें जो जीएसटी पढ़ रहे हैं, वह किसका हिस्सा है? इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। तो चलिए, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है? वस्तु सेवा कर। क्या बोलते हैं जी? वस्तु सेवा कर। मतलब यह एक ऐसा टैक्स है जो किसी गुड्स पे लगेगा और सर्विस पे लगेगा। ध्यान देना, किसी गुड्स पे लगेगा और किसी सर्विस पे लगेगा। कैसे? देखो, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। गुड्स का मतलब क्या समझोगे, सर्विस का मतलब क्या समझोगे, यह ध्यान दो। जैसे कोई बिजनेस है, तो मैंने सेल परचेस समझाया था आपको ना, बोलिए। हमने सेल पढ़ाया था, परचेज बताया था, तो हमने बोला था, समझाया भी था कि जो हम लोग सेल परचेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से करते हैं, वह या तो गुड्स करेंगे, बोलो, या तो सर्विस करेंगे। आम यूजर क्या करते ही तो करता है, या तो गुड्स खरीदता है या तो सर्विस खरीदता है। तो ये बोला गया है कि जो गुड्स है और जो सर्विस है, इस पे जो टैक्स लागू होगा और इस पे जो टैक्स लागू होगा, इन दोनों को सम्मिलित कर दिया गया। किसमें? जीएसटी में। इसीलिए बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। मतलब जो जीएसटी है, एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो केवल किसी गुड्स पे लागू होगा और सर्विस पे लागू होगा। अब ध्यान देना, यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, प्लस पूछा भी जाता है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है। तो हमेशा हम जवाब देंगे कि जो जीएसटी है, वह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है जी? इनडायरेक्ट टैक्स है। प्लस ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, कब आया था। तो मैंने कल के क्लास में बताया था 1 जुलाई। जी बोलो, यही ना। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या जीएसटी जो लागू हुआ था, क्या एक ही बार डायरेक्ट लागू हुआ था? नहीं, ये चर्चा बहुत पहले से चल रहा था, लगभग 2005 से ही चल रहा था, समझे ना। ये जो चर्चा चल रहा था जीएसटी के बारे में, 2005 से ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट अब क्या कर रहा था, ठीक है, अप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसको संविधान में लागू नहीं कर पा रहा था कि हम जीएसटी पे काम करें। तो धीरे 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 आया, और जब वहां पे जब सब कुछ सही हुआ, तो वो लागू हो गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को। और इस समय देख रहे हो कि हर जगह जो काम हो रहा है, ठीक है, वो किस पे काम हो रहा है? जीएसटी पे। क्लियर है ना। अब रहा सवाल यह कि जो जीएसटी है, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अब धीरे 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 हम लोग क्या करने लगे, इसके बारे में जानने लगे, और इस समय बेटर तरीके से अकाउंटिंग कर ले जाते हैं। लेकिन जीएसटी लाने का क्या कारण था, देखिए, क्यों इस समय जीएसटी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं,
और गवर्नमेंट क्यों ज्यादा इस पे फोकस कर रहा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए, अभी मैं अभी समझा रहा हूं तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले होता क्या था, और इस समय भी अभी भी कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे अभी भी वैट लागू होता है, जैसे मैंने पेट्रोल पे बताया था, ठीक है? तो दोनों में फर्क क्या है और जीएसटी आने से फर्क क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो, 2017 से पहले होता क्या था, सबसे ज्यादा हम लोग सर्विस पे अलग टैक्स देते थे, गुड्स पे अलग टैक्स देते थे। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स होता देते थे हम लोग वैट पे देते थे। किस पे देते थे जी? वैट पे देते थे। अब इसका कंसेप्ट क्या था, यह समझने की कोशिश करना। और इस समय जो चल रहा है हमारा, वह चल रहा है क्या? जीएसटी। अब दोनों में अंतर क्या, इसको समझ लोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब होता क्या था, देखो, यह सपोज ये क्या है, यह हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है? टैक्स तो एक आम यूजर इसी को देता है, लेकिन पहले टैक्स का प्रोसीजर क्या था, मतलब पहले जो भी बिजनेसमैन टैक्स पे करता था, वह सारा प्रोसीजर, जो सारा काम करने का तरीका था, वह ऑफलाइन था। क्या था जी? ऑफलाइन था। क्लियर है? इस समय भी हम लोग गवर्नमेंट को ही टैक्स देते हैं। किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। इस समय जो बिजनेसमैन जो टैक्स पे कर रहे हैं, वह इस समय गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वह दे रहे हैं ऑनलाइन। क्लियर है? ध्यान देना, पहले जो काम होता था वह ऑफलाइन काम होता था, इस समय जो काम हो रहा है क्या हो रहा है? ऑनलाइन। अब ध्यान देना, अब होता क्या था पहले, जैसे सपोज ये जो बिजनेसमैन है, हम तो टैक्स देते ही देते हैं। अब बिजनेसमैन का टैक्स बना कितना, सपोज मान लीजिए 5,000। क्लियर है? और सपोज ऑनलाइन में भी बना कितना, 5,000। तो होता क्या है, पहले दिक्कत ये होती थी जो गवर्नमेंट है, चलो अब हमारा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे हमारा स्टेट गवर्नमेंट, इसके पास जो टैक्स पहुंचता था वह 5,000 नहीं पहुंचता था। दिक्कत क्या होती थी, अब इस बिजनेसमैन ने वकील को रखा है, क्या रखा है? वकील को रखा है। वकील क्या करता था, कुछ पैसा खाता था। अब ये भी वकील वाला क्या करता था, यह सेल्समैनों से संपर्क किया है, सेल टैक्स वाले से। अब सेल टैक्स वाले भी कुछ खाते थे। अब होता क्या था, इस बिजनेसमैन का यह तरीका था कि जो 50 या 5,000 जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना, कुछ वकील साहब कुछ ऐसा तरीका बताइए, कुछ हमारा भी बच जाए, कुछ आपका भी जेब भर जाए, आप कुछ इसका भी भर जाए और टैक्स हम गवर्नमेंट को कम दे। क्यों? क्योंकि सारा रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रहता था अपलाइन। अब योगी जी या मोदी जी तो आके चेक करेंगे नहीं, जो पहले के गवर्नमेंट आके चेक करते नहीं थे, वो अपने डिपार्टमेंट को भेजते थे। जिस समय डिपार्टमेंट आया है बड़ा नाम घूम रहा है, ठीक है? तो दिक्कत क्या होती थी, यह क्या होते थे, पैसे के लालच में कुछ पैसा ले लेते थे, वकील इनसे बात कर लेता था। अब यह बिजनेसमैन कहता, चलो तुमको भी खर्चा पानी दे देंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि यह कितने फाइनल हो जाए, 2,000। कितने हजार में? 2,000 में, ठीक है? तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको भी खर्चा पानी दे दूंगा 500, ठीक है? तुम इनको भी दे दूंगा 1,000, ठीक है? तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,500। उसके बाद जो जो पैसा बचेगा कितना बोलो, 1,500, वो पैसा हमारा बच जाएगा, समझे? तो ये तरीका होता था। तो गवर्नमेंट के पास कितना जाता था, 5,000 से 2,000। क्यों, क्या कारण था, सारा काम ऑफलाइन होता था, गवर्नमेंट को उसका रिकॉर्ड नहीं पता चलता था और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। धीरे 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 इसके खजाने में जाते जाते वो पैसा 10 रुपए से 2 रुपया हो जाता था, समझे? लेकिन जब से हमारे यहाँ जीएसटी आया है, अब बोला गया है कि जो भी काम होगा ऑनलाइन, अगर टैक्स दिख रहा है 5,000, तो आपको गवर्नमेंट को भी देना है 5,000, समझे?
जो पैसा पहले जाता था गवर्नमेंट के खाते में 2,000, अब डायरेक्टली ये नहीं कि दूसरे के सारे जाता है, तुरंत गवर्नमेंट के खाते में ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है, गवर्नमेंट के खाते में पैसा चला जाता है। तो आप बताइए इसमें फायदा था या इसमें फायदा है? ठीक है, हमको तो किसी में फायदा नहीं, ठीक है, हम तो टैक्स गवर्नमेंट को देते थे, लेकिन रियल में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते थे ना जी, ऐसे इस बिजनेस को तो देते नहीं थे, लेकिन हमारा पैसा कुछ गवर्नमेंट के पास जाता था, कुछ यही सब खा लेते थे हम लोग, जिस राज्य में रहते थे तो उसको टैक्स देते थे, ठीक है। तो उसी लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सुविधा लाया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो जनता का हमारे पास टैक्स के रूप में कलेक्ट हो रहा है, आ रहा है, जो आम जनता हमको पैसा दे रहा है, जो पैसा चोरी हो जा रहा बीच में रास्ते में, वो चोरी ना हो और डायरेक्टली मेरे खाते में आए, तो ज्यादा पैसा आएगा तो थोड़ा बहुत चुरा भी लूंगा तो कोई बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, ठीक है। तो देखते हो 2017 के बाद इतने फंड आए हैं जो काम हुए हैं, पहले नहीं होते थे, हिस्ट्री देख लेना। भले ही गवर्नमेंट जो सपोज योगी जी का सरकार ये बना था, ठीक है, मोदी जी सरकार बना था 14 में, ठीक है, लेकिन उसके बाद उतना काम नहीं हुआ था, 17 के बाद जितना काम हुआ है, 17 से 22 के में हिस्ट्री में देख लेना आप लोग। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग का पैसा जो बीच में रुक जाता था, गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाता था, तो सरकार कोई भी है थोड़ा पैसा तो लेता ही लेता है, ठीक है, लेकिन इस समय ज्यादा से ज्यादा, अब 10 रुपए में 10 रुपए गया तो कोई चुरा लेगा तो भी 7 रुपए का काम कर दे, तब पहले 2 रुपया जाता था, ठीक है, तो उसमें भी चुरा लिया तो 50 पैसे का काम होता था, इसीलिए दिक्कत होती थी, ठीक है। और इस समय ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लो इस समय जितना अच्छे से इस समय काम हो जा रहे हैं, ठीक है, कई सारे फंड आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है। अब यही पैसा जो हम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जो देते हैं ना, वही कभी हमको मिलता है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, आपको सर कम तो आपको आवास मिलता है, नहीं ठीक है। तो जो आवास मिलता है क्या सबको मिल जाता है क्या? नहीं, टैक्स तो सभी लोग देते हैं, तो ही 1-1 रुपया इकट्ठा होता है तो करोड़ों बदल जाता है। आओ गवर्नमेंट देखता है उस लायक कौन है, उसके खाते में वो पैसा चला जाता है एक ही बार, वही टैक्स जो 1-1 रुपया देता है 30 लाख, ठीक है, मतलब 2 लाख 3 लाख में जाता है। कई लोग को क्या करता है, अलग अलग फंड मिलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो पेंशन का पैसा, आप बताओ, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं जो पेंशन का पैसा लगभग जानते हो कितने करोड़ गवर्नमेंट बांटता है, यूपी वाला गवर्नमेंट अभी सर्च कराऊंगा तो बहुत सारा पैसा देता है, ठीक है, तीनों पेंशन मिला के, ओल्ड, विडो और हैंडीकैप, तीनों में करोड़ों का वो पैसा देता है, हर महीने में देता है वो। तो आप बताइए पैसा कहाँ से आता है? वो टैक्स से ही आता है। पहले वही टैक्स कितना था पेंशन, 600 रुपया, अब 1,000 हो गया, 3 महीने में 3,000 मिल रहा है, मतलब वही पैसा जो छोटा छोटा है वो पैसा उसको मिलता है जो उस लायक है, टैक्स तो सभी लोग देते हैं, उस लायक जो है उसको मिलता है। तो देखो अब पैसा करता क्या है, तो मान लो पहले देखते हो 5-6 साल, 7 साल, 10 साल पहले रोडे कम बने होते थे, इसमें गली गली में जाओ हर जगह रोड मरम्मत है, रोड बने हैं, रीजन क्या है, टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और बन जा रहा है, ठीक है, यही पैसा पहले नहीं आता था, राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था कि सर मुझे ये फंड चाहिए, तो टाइम लगता था, नहीं आ पाता था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, रीजन यही था कि वहां पे गवर्नमेंट थोड़ा ढीला पड़ जाता था और काम नहीं कर पाता था, लेकिन इस समय सारी सुविधाएं आ चुकी हैं, ठीक है, और धीरे 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 सारा काम वो लोग क्या करते हैं, टैक्स तो देते पहले थे आज भी देते हैं लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन फिर भी जीएसटी आने से और क्या बेनिफिट है। अब देखो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा अगर रियल में हाँ अब फायदा है। आप तो पहले से देते थे लेकिन जो खाने वाले थे वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता था, खा लेते थे, पैसा तो पहले भी देते थे आज भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले टैक्स के ऊपर टैक्स देते थे और आज हम लोग सर जी वेट का तो उसमें भी होता है ना, पेट्रोल टंकी में, तो यहाँ पे हाँ वो ऑफलाइन नहीं होता नहीं इसके लिए प्रोसेस आ चुके हैं लेकिन अभी भी इसके जीएसटी में अंडर में नहीं हुआ है यार, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट अपना अपना टीन नंबर मिलता है उसके लिए, समझे, उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर है। हाँ बोलो बताइए, वीडियो। चलिए ध्यान से सुनिए समझिए। अब होता क्या था,
इस समय और उस समय क्या होता था, जब हम लोग वैट देते थे, ध्यान देना, और भी बहुत सारे टैक्स थे, सीएसटी, ठीक है, सेल टैक्स, समझे। तो दिक्कत होती क्या थी कि जो बिजनेसमैन है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का नाम है टाटा कंपनी, समझे, जो टाटा कंपनी था वो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेचा किसको, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर, ये ना जी। अब देखिए होता क्या था कि अगर ये जो टाटा कंपनी है, अगर इस कार को इसने बेचा, कोई कार बेच रहा है जी, टाटा कंपनी के बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, ठीक है, कोई सामान 100 रुपये हम बेचा, कितने में बेचा, 100 रुपये में, तो अगर इससे किससे, होलसेलर से अगर टैक्स ले रहा है 10%, समझो 10%, तो वैल्यू क्या हो गया, 110 रुपये। जब होलसेलर का रेट होता था कितना हो जाता टोटल, 110 रुपये। अब यह क्या करता था, जो 110 रुपया, समझना, इस पे अपना मार्जिन ऐड करता था, कितना रुपया प्रॉफिट मान लो 40, तो टोटल बेचता कितने में था, 150। अब कोई जरूरी नहीं था कि वो टैक्स 10% ही चार्ज करे, वो टैक्स 12% भी चार्ज कर देता था, 15 भी चार्ज कर देता था, 14 भी कर देता था, ठीक है, 5 भी कर देता था। तो आप बताओ, 10 दिया तो उतना कम करेगा नहीं, मतलब पहले टैक्स मनमानी होता था, पहले फायदा भी कमा लो, पैसा भी जोड़ लो, और जीएसटी भी बढ़ा, मतलब टैक्स भी बढ़ा देते थे, मतलब मनमानी था, क्योंकि उसका कोई रूल नहीं था, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ज्यादा जो बोझ पड़ता था वो किस पे पड़ता था, कंज्यूमर पे। अब मान लो इसको बेच दिया, सपोज टैक्स उस मिला के 200 रुपया में, अभी क्या कहता था कि हम भी कमाएंगे, तो 50 रुपया अपना मार्जिन खर्चा वर्चा ऐड कर लिया। अब इस पे जरूरी नहीं था कि 12% लगाए तो 12% लगाएगा, वो चाहेगा तो 14% भी लगा सकता था, तो पैसा बढ़ता जाता था। तो पूरा बोझ किस पे पड़ता था, कंज्यूमर पे, जो यूज कर रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स हम देते थे। और अब बताओ, टैक्स के ऊपर टैक्स देने के साथ साथ वह पूरा टैक्स जो देते थे, कमाई हमारा जो पैसा था, वो भी गवर्नमेंट के पास सीधे नहीं जाता था, उसमें भी चोरी हो जाती थी, ठीक है, कब, जब यह प्रोसेस हमारा ऑफलाइन था तब, समझे। लेकिन जैसे हम जीएसटी पे काम करने लगे, बोला गया नो, अब ऐसा नहीं चलेगा, एनटीएम का रूल लगेगा। किसका रूल लगेगा, एनटीएम का। एनटीएम का मतलब वन नेशन, ध्यान देना, ठीक है, वन मार्केट और वन क्या, मतलब वन टैक्स, मतलब वन टैक्स वन मार्केट, मतलब यन का मतलब नेशन, यम का मतलब मार्केट, टी का मतलब टैक्स, मतलब बोला गया है कि जब एक ही राष्ट्र है तो हमारे भारत में एक ही मार्केट होगा और एक ही टैक्स होगा। मतलब अगर इसको, इस रिमोट को अगर हम अपने यूपी में खरीद लिए 10 रुपए में, और इस पे टैक्स लागू होता है 10%, तो भले ही बिहार में चले जाएंगे, भले ही 20 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन जो टैक्स लागू होगा कितना लागू होगा, 10%। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अगर इस समय कोई नहीं करता है ना, तो उसका दुकान बंद हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट क्लेम, मतलब हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, और हमको पता भी है। तो मैनुअल तरीके से होता क्या था, बोला गया एनटीएम वन नेशन, एक राष्ट्र है, तो एक मार्केट रहेगा और एक ही हमारा टैक्स रहेगा, तो चाहे दिल्ली में खरीदिए, चाहे यूपी में खरीदिए, चाहे महाराष्ट्र में खरीदिए, हाँ रेट सबका अलग अलग होगा। अब दिल्ली में जो रिमोट मिलेगा जितने में, कोई जरूरी पड़ा ना उतने मिलेगा नहीं, लेकिन जितना टैक्स वहां पे लागू होगा ना, उतना ही टैक्स हमारे स्टेट में भी लागू होगा, किसके रूल में,
जीएसटी के रूल में, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि जीएसटी एक समान कर है। कौन सा कर है जी? एक समान कर है जो गुड्स और सर्विस पे एक समान रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है। तो आप बताइए, जो ये ऐसे टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स जो हम पे करते थे, वो टैक्स के ऊपर टैक्स इसमें पे नहीं करते हैं। अब ऐसा रूल बना दिया गया है क्या? ध्यान से सुनना समझना, बोलना पड़ता है सोचे। हाँ, दो तीन दिन चलेगा। हाँ, मंडे से चालू हो जाएगा फिर, क्योंकि जो तो ऐसे समझाऊंगा नहीं, पढ़ूंगा कितना समझ में नहीं आएगा तुम्हें, बस लगा कहानी दिखेगा मुख्य जैसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखो इसमें कैसा रूल है जी। सपोज जीएसटी के अंडर में मान लो सब कुछ काम कर रहे हैं, अब देखो बिजनेसमैन क्या करते हैं। देखो अब यह कंपनी जो है, क्योंकि पहली टैली में कंपनी बनाना सीखेंगे हम लोग, अब ये जो कंपनी है और इससे लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इससे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इसका मेन जो कंज्यूमर है, ठीक है। अब होता क्या था कि अगर कोई सामान ये बेच रहे हैं 10% पे टैक्स पे, तो ये कितना बेचो से मतलब नहीं, ये भी टैक्स लागू क्या करेंगे 10%, ये भी कितना लागू करेंगे 10%, और इनको भी जो देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा 10%। समझे, यह फायदा होता है। अब पहले टैक्स के ऊपर टैक्स देते थे, क्या होता था सुन लो, सपोज मान लो ये सामान अगर 100 रुपए हम बेचे तो कितना हो जाता था 110, बोलो। यही सामान अगर मान लो ये 150 रुपए में बेचे तो पहले क्या हो जाता था वो, देखो ध्यान देना, 150 में बेचे तो अगर मान लो रूल अगर चेंज हो तो, अगर सेम हो तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और यही सामान अगर मान लो ये 200 में बेचे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। मतलब समझना, यहाँ पे क्या है, जब एक ही टैक्स लग रहा है तो फायदा है कि नहीं है, मतलब अरे रेट बढ़ेगा तो होगा, 100 रुपया पे 10 रुपये बढ़ जाएगा, 150 पे 15, 200 पे तो हमको 20 ही दे रहना है ना जी। अब पहले दिक्कत क्या होती थी, इसको 10, इसको 15, इसको 20, अब देखो कितना हो जाता था, 10 और 20 कितना 30, 15 45। अब बताइए, उसी आइटम पे पहले हम लोग 45 देते थे और हम इसमें 20 रुपए दे रहे टैक्स, और 45 में देखो इतना देने के बाद भी गवर्नमेंट के खाते में जाता था 10 रुपए, और आज हम 20 रुपए देते हैं तो कितना वो लोग चुरा लेंगे, तो 18 रुपए जाएगा ही जाएगा, इसमें भी चोरी है, चोरी जाने वाला नहीं है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। पहले से आता है, ठीक है, कितने युग से चलता आया है, क्योंकि जब तक सही गलत नहीं होगा तो गलत सही का मतलब ही नहीं पता चलेगा, अगर आपके साथ दुख ना आए तो सुख का मजा क्या है नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब क्यों सुखी रहे तो दुख क्या होता है मजा नहीं मतलब पता नहीं चलेगा, मतलब इंसान हम लोग, ठीक है, जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक ऐसा जीवन पाया है जिसे पता चलता है कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, और कैसे लाइफ को जीना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यह पहले से युगो युगो से चला आ रहा है कि सच और झूठ दोनों रहेगा, ठीक है। तो पहले लोग चोरी करते थे और आज भी चोरी करेंगे, लेकिन पहले बहुत ज्यादा करते थे और इस समय बहुत कम करते हैं। अब बताइए, पहले चोरी कितना होती थी, दिन में पता चला कि किसके गाड़ी रोक के इतना पैसा लूट लिए, ठीक है, किसी के घर में घुस गए थे सब, इतना सोना चुरा लिए, इतना पैसा चुरा लिए, कहीं इस समय सुनने को मिल रहा है क्या आप लोग? क्यों? क्योंकि लोग पहले चाहते थे काम कम करें, आराम ज्यादा करें, और प्लस पैसा का कोई वैल्यू उतना नहीं रहता था, एक ही चुरा कर रख लेंगे खाते रहेंगे, समझे। तो इस समय देखो सोच रहे कि अरे यार जितना चुराने जाएंगे पकड़ाएंगे तो पिटाएंगे, उसमें अगर 3-4 दिन कमा ले तो उतना ज्यादा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो इस समय देखते हो ना बहुत कम चोरी हो रही है और गवर्नमेंट भी ज्यादा एक्शन ले रहा है इस पे, तो देखो धीरे 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 धीरे, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते हो कि इसमें चोरी नहीं हो रहा है, इसमें चोरी किससे हो रहा है, इस बार किसी का अलमारी नहीं खोला जा रहा है, किसी का ताला नहीं तोड़ा जा रहा है, इस बार क्या है,
आपके मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है, ठीक है। इस बार क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत इस समय क्या विश्वास कर रहे हैं और सभी लोग टेक्नोलॉजी पे जुड़े हुए हैं इस समय, ठीक है। तो देखते हो हमेशा कुछ ना न्यूज पे सुनते रहोगे, ठीक है, किसका अकाउंट खाली हो गया, किसका पैसा इतना चला गया। क्यों? क्योंकि अब लोग जाके आपको रास्ते में रोके चोरी नहीं करेंगे, वैसे नॉर्मल नहीं। इस समय कैसे चोरी हो रहा है? अकाउंट से खाली हो जा रहा है, ठीक है। मोबाइल जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है उससे चला पैसा चला जा रहा है, तो हमेशा चलेगा, ठीक है, चलता ही रहेगा, कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब कलयुग चल रहा है ना, नाम ही कलयुग, ठीक है। कितने साल है और?